गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज गोना बी अ डे इन द लाइफ ऑफ अ नीट एस्पिरेंट। सो 11 बजे के अराउंड मैं पढ़ने बैठ गई थी एंड सबसे पहले मैं केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि ये टेस्ट में आएगा तो, और मुझे इसकी DBPs और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ और साथ साथ मेरा ये टेस्ट का भी प्रिपेयर हो रहा है। हाँ गाइज, टेस्ट है इस संडे को, तो आप लोग भी पढ़ लेना सही से, और उसके बाद मैं केमिकल काइनेटिक्स की DBPs कर रही हूँ। टोटल 8 DBPs है, मैंने एक भी नहीं करी अभी तक, तो सारी मैं अभी ही कर रही हूँ एक साथ इकट्ठे। पूरा मैंने पहले चैप्टर रिवाइज करा, डिटेल नोट्स अलॉन्ग विद शॉर्ट नोट्स, पूरा अच्छे से रिवीजन करने के बाद ही मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। और आप भी क्वेश्चन करने से पहले एक बारी ज़रूर रिवीजन कर लिया करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। फॉर्मूला ही नहीं याद होंगे, कुछ याद ही नहीं होगा तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे ना। ये भी रीज़न है कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो पहले एक बारी सारे डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, हर चीज़ जो भी है आपके पास, जैसे भी नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करो और फिर अपने आराम से क्वेश्चन करो और होते चले जाएंगे। मेरे से भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए थे, कुछ कुछ नहीं हुए थे, उनका मैंने सॉल्यूशन देख लिया था। सो मेरे को 2 घंटे लगे ये करने में, आधा घंटा मेरे को नोट्स रिवाइज करने में लगा था और 1.5 घंटा मेरे को DBPs करने में लगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा खाने का ब्रेक लिया एंड आई हैड पास्ता फॉर लंच। पास्ता इज़ लिटरली माई फेवरेट थिंग इन द होल वर्ल्ड। और उसके बाद मैं कुछ काम से बाहर गई थी, देन मैं बाहर गई और फिर जल्दी से आके मैं पढ़ने बैठ गई थी। और अब मैं कर रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो लेक्चर्स मेरे बैकलॉग हो गए थे, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले इन्हीं को ही कर लेते हैं, कभी मेरी और बैकलॉग्स होती चली जाए। मैं जनरली अपनी बैकलॉग्स होने नहीं देती हूँ, अगर होती भी है ना तो पिछले दिन या उससे पिछले दिन की होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर्स, उससे ज़्यादा नहीं होते, उनको भी मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और हाँ सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है और आई होप आप सब लोगों की भी पहले के चैप्टर्स की कोई बैकलॉग नहीं होगी, और अगर है भी तो स्कूल से छुट्टी ले लो 1 या 2 दिन, और संडे भी मिलता है तो सैटरडे की छुट्टी ले लो, सैटरडे और संडे आराम से बैठ के लेक्चर करो अपने, पूरे दिन बैठ के पढ़ाई करो और पढ़ाई करो यार, तभी जाके बैकलॉग्स होंगी। कोई और कुछ ऐसा टिप्स तो होती नहीं है, बस यही है कि पढ़ाई करो और करते रहो और करते रहो, तभी होगा जाके कुछ। और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि बैकलॉग कैसे करें कैसे करें, तो एक ही तरीका है कि स्कूल जा रहे हो तो स्कूल की छुट्टी लो और घर पे बैठो और पूरे दिन पढ़ाई करो। हाँ सो मेरे 2 लेक्चर्स हो गए और 3:30 बज गए और मेरे को 4 घंटे हो गए हैं पढ़ते हुए। उसके बाद गाइस, ये जो क्लिप चल रही है अभी, ये एलन की मॉड्यूल की है और मेरे को फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की, तो ये एलन की मॉड्यूल है। मैं बताती हूँ, देखो मेरा एक कज़न है दूर का रिलेटिव, उसने इसी बार नीट का एग्ज़ाम दिया था और उसके पास एलन की मॉड्यूल्स थी, तो उसको कोई अब यूज़ नहीं था तो उसने सारी मेरे को दे दी, ठीक है। सो एलन की मॉड्यूल्स बहुत अच्छी होती हैं, सबको पता है ये चीज़। सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये मिल गई, अगर नहीं मिलती ना तो भी मैं ख़रीद लेती, क्योंकि मेरे को एररलेस ठीक नहीं लग रही थी, इतने रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं थे, एक तो बहुत ही सारे क्वेश्चन थे हर टॉपिक के, तो पूरे एक चैप्टर के मिला के 800 समथिंग क्वेश्चन हो जाते थे, 500 से लेकर 800 के बीच में, तो बहुत ज़्यादा हो जाते थे। सो इसलिए एलन की मॉड्यूल में काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं और मैंने एलन की मॉड्यूल्स ले ली हैं, केमिस्ट्री और बायो और फिज़िक्स हर चीज़, अब मैं एलन की मॉड्यूल से ही करूँगी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, सो एलन की मॉड्यूल्स अब एररलेस मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रही हूँ, सबको पता है कि मैं डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 1 या 1.5 लेक्चर्स करती हूँ, सो अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रही हूँ और सबको बताया कि ये पंकथर से करी हूँ मैं, और अगर इसका लिंक चाहिए होगा तो इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं पंकथ सर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेरे को ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं आती और जब से मैं यहाँ से करने लगी हूँ तो हर चीज़ मेरे को क्लियर हो रही है। सो मैं ज़्यादातर 1.5 या 1 लेक्चर करती हूँ और आज मेरा टारगेट तो था कि मैं 2 लेक्चर कर लूँ, बट मैं 1.5 लेक्चर कर पाई क्योंकि थक जाती हूँ मैं, और इसलिए
क्योंकि देखो यार, मैं लाइक कंटिन्यू पढ़ रही थी, एज सच मैंने कोई ब्रेक भी नहीं लिया। लाइक 7 बज गए शाम के और मेरे को भी लाइक 7 घंटे ही हो गए पढ़ते हुए। 11 बजे मैं पढ़ने बैठी थी, बीच में थोड़ा सा बाहर गई थी तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लगा। उसके बाद जूलॉजी के मैं कर रही हूँ, और एक लेक्चर था इसका बैकलॉग लेक्चर मेरा, वो कर रही हूँ। और यस, सो गाइज, मैंने एनएलवी मॉड्यूल का बता दिया है आपको सब कुछ। बहुत अच्छी मॉड्यूल्स हैं, अगर ले रहे हो तो ले लो। लाइक मैं सच बताऊँ तो पीडब्ल्यू की मॉड्यूल्स मेरे को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने इस बार की ली भी नहीं, इसलिए मैंने एलन की ही मॉड्यूल्स ले लिए हैं। और अगर आपको ख़रीदनी है तो ख़रीद लेना, बहुत ही अच्छी हैं और हर चीज़ है उनमें। लाइक पहले इलस्ट्रेशंस है, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज है, और उसके बाद अलग से एक एक्सरसाइज है, फिर POIQ की अलग से एक्सरसाइज है, और फिर थोड़े लाइक स्टेटमेंट वाले टाइप के क्वेश्चन है उनकी अलग से एक्सरसाइज है। और यहाँ पे मैं अभी मेरा वो लेक्चर हो गया, तो मैं वो जिस जो उस लेक्चर में टॉपिक पढ़ाया था उसको NCERT की बुक से पढ़ रही हूँ, और देन मैं पूरा ये चैप्टर रिवाइज़ कर रही हूँ क्योंकि ये कम्प्लीट हो गया है। तो एक बार पूरा इसको रिवाइज़ कर रही हूँ, और इसके PYQ समाप्ति मैम नेक्स्ट क्लास में कराएंगी, तो मैं भी तभी करूँगी इससे, इसलिए मैं इसको भी रिवाइज़ करके रख रही हूँ। और मेरे को 8.5 घंटे हो गए हैं पढ़ते हुए, और टाइम हो गया है 8:48। और इसके बाद मैंने और पढ़ाई नहीं करी क्योंकि मेरे को काफ़ी हेडेक हो रहा था। और गाइस, ये मेरी आज की टू डू लिस्ट थी जो मैंने आज करा, और ये मैंने कल की भी बना ली, इसको मैं कल पोस्ट भी कर दूंगी। एंड दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय गाइस।